एक बात और कहना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो ये कि आज हमारी ही मस्जिद में भी अगर और किया जाए तो नौजवानों अपने कान खोल करके सुन लेना। मैं भी अगर जवानी के दहलीज पर अभी भी हूं तो मेरे लिए भी आपके लिए भी बात यह है कि हम नमाज पढ़कर इधर आएंगे तो ये इतराना हमारी और तुम्हारी हिमाकत है, ये अहमकाना अंदाज है, बेवकूफी है। मगर दरअसल में वो ये कि मस्जिद में जो बुजुर्ग बैठते हैं जिनकी दाढ़ी लाल हो गई हो मेहंदी लगाने की वजह से या उससे पहले सफेद हो गई हो, ऐसे बुजुर्ग मस्जिद में बैठकर अपने रब को याद करते हैं। तो किताबों में ये बात आई है कि मस्जिद में ऐसे बुजुर्ग बैठकर अल्लाह को याद करते हैं तो एक ऐसे बुजुर्ग की वजह से अल्लाह ताला पूरे मोहल्ले वालों को रिस्क बांटता है, पूरे मोहल्ले वालों को रिस्क बांटता है। जिसके बाल दाढ़ी के और सर के उजले सफेद हो जाते हैं, हदीसों में ये बात आई है कि वो मर जाता है तो अज़ाब-ए-क़ब्र देने में अल्लाह ताला हया फरमाता है। और उसकी फज़ीलत ये बताई गई कि जो बुजुर्ग होते हैं वो मस्जिद में बैठकर अल्लाह को याद करते हैं, इनके सदके में नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को, बाकी जो बाहर फिरने वाले हैं उन सबको, पूरे मोहल्ले को, बल्कि पूरे मोहल्ले वालों को रिज़्क वो एक की वजह से अल्लाह ताला बांटता है।